सुरक्षा हटी दुर्घटना घटी की लाइनों को साबित करता ये लाइव वीडियो जमशेदपुर के खदमा थाना इलाके का है, जहां सीवर लाइन में फंसने के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई। मजदूर को निकालने के लिए लगभग 6 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला, जिसके बाद मजदूर के शव को बाहर निकाला गया। दरअसल रामनगर इलाके में जिसको कंपनी के ठेकेदार के मजदूर लगातार काम कर रहे थे, जहां सुरक्षा के चूक के कारण एक मजदूर अचानक खोदे गए गड्ढे में गिर गया। उसके ऊपर से गड्ढे से निकाली गई मिट्टी गिर गई, वहीं उसके साथ काम कर रहे सह कर्मचारी मौके से भाग निकले। इतना ही नहीं, गड्ढा खोदने वाला जेसीबी चालक भी वाहन लेकर निकल भागा। लेकिन स्थानीय लोगों की सूचना के बाद कदमा थाने की पुलिस पहुंची और रेस्क्यू टीम की मदद से मजदूर को निकालने में जुट गई। गड्ढे में मिट्टी और पानी भरने के कारण रेस्क्यू टीम को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। लंबी कवायद के बाद रात करीब 10:30 पर मजदूर का शरीर दिखा, लेकिन जब तक उसे निकाला जाता उसकी मौत हो चुकी थी। अभी तो हमको तो दूसरे के पता चला कि वो मिट्टी में दब गया है। यहाँ पर आने के बाद तो कुछ मालूम नहीं चल रहा है, यहाँ पर कोई है भी नहीं। जिस देख रहा हूँ तो बॉडी वहाँ घुसा हुआ है, कोई है ही नहीं कि जो उसको बॉडी को निकाल सके। अभी जब से आए हैं तब से तो हम लोग परेशान हैं, यहाँ पर कुछ नहीं, एकदम लापरवाही हो रहा है। कितना बजे घटना? अब उतना 204 घंटा यहाँ के आदमी से बता रहे हैं, 204 घंटा हो गया बॉडी वैसे का घुसा हुआ है, अभी तक कोई नहीं है। जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा वो भी नहीं है। वहीं इस मामले में जेएमएम के नेता ने मृतक के परिजनों को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की मांग की है। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जमशेदपुर से इंद्रजीत की रिपोर्ट।